आपका ये केस स्टडी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है इसने, एक डायग्राम दिया हुआ है यहां। ठीक है, इस डायग्राम में उसने देखो क्या दिया है, बड़े ध्यान से इसको देखना है। यहां पर इसने लिखा है फ्रंट व्यू, तो दिस इज द फ्रंट व्यू और ये इसका टॉप व्यू है। ठीक है, अब देखो यहां पर इसने लिखा है स्केल, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। और कुछ दिया है देखो, ध्यान दो यहां पर, देखो उसने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर लिखा है और वो भी वर्टिकल में है ना। और यहां पर देखो वर्टिकल में उसने कितने बॉक्स कवर किए हैं, 1 2 2 बॉक्स। लेकिन इस साइड में हॉरिजेंटल में ही हैज नॉट गिवन एनीथिंग, उसने कुछ नहीं दिया इस साइड में। तो अब आपको क्या करना है, जब आप एक्स एक्सिस देखेंगे दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर ईच बॉक्स इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ईच बॉक्स इज 1 सेंटीमीटर इन एक्स एक्सिस, 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर, बट 1 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, तो हम क्या करेंगे, 1 बॉक्स इज 1 मीटर। और जब हम वाई एक्सिस देखेंगे तो यहां पर देखो कितने बॉक्स कवर किए उसने, 2, तो क्या हो जाएगा आपका, वाई एक्सिस में आपका क्या हो जाएगा, 2 बॉक्स 2 बॉक्स इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। इसी के हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से इसको स्टडी करना है आपको। नेक्स्ट, अब इसमें क्वेश्चन देखो कैसे पूछे हैं, यस रिटर्न रिफर टॉप व्यू, तो आपको सिर्फ ये टॉप व्यू ही देखना है। इसमें इसने कहा फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट जे इज 6,17 एंड आई इज 9,16। तो जे एंड आई ये रहा और ये रहा, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू x1 + x2/2। तो सेम चीज हम लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू x1 + x2/2, और वाई क्या हो गया हमारा, y1 + y2/2। इसके अंदर वैल्यू डालो, देखो क्या आ रहा है आपका, x इज इक्वल टू 6 + 9 = 15, 15/2। तो ये हो गया आपका 15/2, x इज 15/2, और y के कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, 17 + 16 इज 33, 33/2, तो 33/2। ठीक है, तो या तो आप ये फ्रैक्शन में छोड़ दो, अदरवाइज गो फॉर डेसिमल। तो क्या आ जाएगा आपका, 7.5, और यहां पर आ जाएगा आपका 16.5। तो ये दोनों आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, जहां पर इसने नहीं दिया कोऑर्डिनेट, वी हैव टू फाइंड आउट बाय काउंटिंग, उसको काउंट करके ही आपको पता चलेगा। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, द डिस्टेंस, फिर इसने बोला है रिफर फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू कहां पर है हमारा, ये है क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, पी पॉइंट कहां पर है हमारा, ये रहा, फ्रॉम वाई एक्सिस मीन्स यहां से। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं, वो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कैसे लगेगा उधर, उधर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि आप क्या करोगे, यहां से कोऑर्डिनेट ले लिए पी के या क्यू के, फिर हमने क्या किया उसको, रूट ओवर, फिर उसको स्क्वायर कर दिया, है ना, वो सब नहीं करना है इधर। इसमें बहुत सिंपल चीज है, इसने बोला वाई कोऑर्डिनेट,
वाई एक्सिस से आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो आपको सिर्फ काउंट करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस। और हमको यह भी मालूम है कि जब हम यहां से काउंट करेंगे टूवर्ड्स एक्स एक्सिस वाले में, तब क्या होगा आपका, वन बॉक्स इज इक्वल टू 1 मीटर। तो आपको सिर्फ बॉक्स काउंट करने हैं, देखो यहां से ये पी तक 1, 2, 3, 3.5, तो 3.5 मीटर इज योर आंसर। सिंपल है ये, तो इसमें हम लोग बहुत गलती करते हैं, 3.5 मीटर्स। ठीक है, इस तरह से ही करना है। अगर वो एक्स एक्सिस बोलता तो हम यहां से काउंट करना शुरू करते नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस देखो, अगर एक्स एक्सिस से होगा तो कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 है, तो दैट मीन्स यहां पर 2 बॉक्स 1 के बराबर है, 1 मीटर, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4 मीटर, है ना। तो ये आपका यहां से 4 मीटर हो जाता, और अगर यहां से मेजर करोगे इट विल बी 8 मीटर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, रिफर टू द फ्रंट व्यू, दैट मीन्स यही वाला, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस, ए एंड एस के बीच का डिस्टेंस कितना है वो बताना है आपको। तो आप देखो, ए इज दिस, एस इज दिस, तो यू कैन सी कि ये देखो सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो उसको सिर्फ काउंट करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, है ना, क्योंकि आप अगर कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाएंगे देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम थिंग। तो हम सिर्फ इसको काउंट करेंगे, सिंपल वे यही है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो हम उसको सिर्फ जस्ट काउंट करेंगे। स्ट्रेट लाइंस का मतलब क्या है, उसका वाई एक्सिस इज सेम, वाई एक्सिस इज सेम तो वो स्ट्रेट लाइन में, और एक्स एक्सिस इज सेम देन ऑल्सो इज इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप देखो ए से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, that means 16 meters। ठीक है, तो ये हो गया आपका 16 meters। अगर इसका x एंड y एक्सिस दोनों का डिफरेंट है तब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगाना है। अगर आप इसमें अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे then also you will get the 16 only। ठीक है, next refer front view, again front view आपको refer करना है, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points A and B in the ratio 1:3। तो A and B को एक point divide कर रहा है in the ratio 1:3। Now, अब इसके अंदर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x इज इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बाई एम वन प्लस एम टू, एंड y इज इक्वल टू क्या हो गया, एम वन y2 प्लस m2 y1 by m1 प्लस m2। और इसके अंदर m1 एंड m2 क्या है, m1 एंड m2 आर नथिंग बट द रेशियो, तो फर्स्ट वाला m1 है, सेकंड वाला m2 है। ठीक है, तो सेम चीज हम अब इसके अंदर डालते हैं। तो फर्स्ट आप देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, तो यू कैन सी ए के कोऑर्डिनेट, तो ए के कोऑर्डिनेट देखो क्या है हमारे, एक्स वाला इज 1, है ना, तो एक्स इज 1, और वाई का कितना है देखो,
व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड द वाई, तो वाई का कितना आ जाएगा देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 divided by 2 is 4, तो 1, 4। और बी का क्या है, बी का बी इज हियर है ना, तो देखो ए एंड बी का बोला है उसने, तो बी इज हियर दैट मीन्स यहां पर है, तो काउंट करो यहां के लिए 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया आपका 5, और यहां से काउंट करो तो यहां पर 8 हो गया था, 9, 10, तो 10 divided by 2 इज 5, तो ये दोनों है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला में डालते हैं तो देखो आपका क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू m1 इज 1, 1 इंटू x2, x2 देखो क्या है आपका 5, प्लस m2 इज 3, 3 इंटू x1 इज 1 बाय m1 प्लस m2 दैट मीन्स 4, 1 प्लस 3 इज 4, तो ये तो हो गया x का, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा देखो, 1 इंटू 5 इज 5 प्लस 3 इंटू 1 इज 3, 5 प्लस 3 इज 8 बाय 4 दैट इज इक्वल टू 2, तो आपका 2 आ गया x का। तो अब y का निकालते हैं, तो y क्या है देखो, 1 इंटू y2 इज अगेन 5 प्लस m2 इज 3 एंड y1 इज 4 बाई m1 प्लस m2 दैट मीन्स 4, तो ये आपका हो गया 5 प्लस 12 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 17 बाई 4, ठीक है। तो 17 बाय 4 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.25, सो इट विल बी 4.25, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना है। नेक्स्ट, यहां पर इसने दिया है रिफर फ्रंट व्यू, अगेन आपको इसी को रिफर करना है। अब देखो इसने क्या बोला है, इफ द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट q 9, 8 एंड s 17, 8, तो इसको आप समझो, इसने क्या बोला है कि आपका p एंड s आर द टू पॉइंट्स है ना, कहां पर है ये, एंड इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सम पॉइंट, एक दूसरा एक कोई पॉइंट है, तो सपोज दैट पॉइंट इज हमारा, हमने एक ले लिया यहां पर कहीं है, और इसके कोऑर्डिनेट जो है x के, ये x, y है, एंड दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p, दैट मीन्स अगर आप ऐसे लाइन बनाएंगे तो क्या होगा, px इज इक्वल टू x³, ठीक है। तो सेम चीज हम यहां पर करेंगे, तो उसमें क्या लेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम ले रहे हैं, तो देखो आपका क्या आएगा, पहले हम ले रहे हैं पी एक्स को, तो हमने ले लिया एक्स माइनस पी पॉइंट है ना, नो सॉरी क्यू है इधर, तो q, s है, तो q एंड s दीज आर द पॉइंट्स, नॉट p, तो आपका x आपका शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, सेम चीज करना है आपको, एक यहां से एक यहां से, ठीक है। नाउ तो देखो आपका पहले हम लेंगे qx, तो क्या आ जाएगा आपका x माइनस q है ना, क्या होता है x2 माइनस x1, तो हमने क्या किया x माइनस 9, तो ये हो गया आपका x-9 होल स्क्वायर प्लस नाउ y-8,
y माइनस 8 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, अब देखो s के साथ करना है आपको सेम, तो सेम आएगा x माइनस s के कोऑर्डिनेट, दैट इज 17. तो यहां पर आ गया आपका x माइनस 17 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर. अब देखो दोनों जगह पे स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट विल गो आउट, इट विल वैनिश. तो अब आपका देखो सिर्फ यही बच गया, दिस वैल्यू स्क्वायर, जब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया. अब आप देखो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में y माइनस 8 है, तो अगर इसको इधर लेकर आएंगे तो इट विल बी माइनस वाई माइनस 8 होल स्क्वायर, तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो नाउ ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कैंसिल हो गया, अब आपका बच गया सिर्फ x माइनस 9 होल स्क्वायर. इसको हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81, दैट इज इक्वल टू नेक्स्ट x माइनस 17 होल स्क्वायर. तो दैट इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 17 स्क्वायर. तो 17 स्क्वायर हमारा कितना होता है, 289. इसको आप करके देख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है. तो 17 इंटू 17 तो 49, 4 कैरी 11, 7 एंड 1 तो 289. तो आप देखो लेफ्ट एंड राइट में आपके x स्क्वायर एंड x स्क्वायर है, इसको इधर लेकर आओगे इट विल गेट कैंसल्ड. तो हमने इसको कैंसल कर दिया. अब x को एक साइड में लेकर आओ, वैल्यू को एक साइड में लेकर जाओ. तो यहां पर माइनस 34x है, इधर आएगा तो प्लस 34 और माइनस 18 कितना हो गया, 16x. दैट इज इक्वल टू नाउ इधर 289 है, इधर 81 है, इसको इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 81. तो कितना हो गया आपका, 208. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 208 बाय 16. तो अब आपका वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू 208 बाय 16. 4 से कट करते हैं तो दिस इज 4 और ये हो गया 52. फिर इसको 4 से कट किया तो ये आ गया आपका 1330. तो x इज 13. और देखो इसमें y तो हमारा कट हो गया, दैट मीन्स y इज 0. तो आपके क्या हो गए, x एंड y, x इज 13, y इज 0. तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 13,0. तो 0 हमारा कहां पर है, ऑन x एक्सिस. दैट मींस आपका जो 13 वाली पॉइंट है वहां पर वो पॉइंट है. तो 13 कहां पर है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो दिस इज द पॉइंट जहां पर आपका ये वाला x आ रहा है.